YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक बाजार में। इस वीडियो हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर जिसमें आप अभी बाइंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों के लिए। ये ऐसे फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स हैं जिसमें हर गिरावट में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी बेहतरीन और काफी मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले ये दोनों स्टॉक्स हैं। यहाँ पर हम जो बात करेंगे उसमें पहला जो स्टॉक्स है वो है सोलर इंडस्ट्रीज। काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है और 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप वाइज ये कंपनी अभी मिड कैप साइज की कंपनी है, लेकिन अपने बिजनेस में मोनोपोली रखता है ये कंपनी। और यहाँ देखिए मोनोपोली क्या है, तो वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चर है बल्क एक्सप्लोसिव का, जो हम पटाखे फोड़ते हैं और जो एक्सप्लोसिव बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर पैकेज्ड एक्सप्लोसिव बनाती है, इनिशिएटिंग सिस्टम बनाती है जो कि माइनिंग में यूज होता है। जो माइनिंग करते हैं, कोल माइनिंग करते हैं, हम अलग अलग खनिज का माइनिंग करते हैं, उसमें जो एक्सप्लोसिव यूज होता है। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे किसी बिल्डिंग को तोड़ना हो, जो बिल्डिंग पुराना हो चुका है, एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन में कोई चीज जैसे बहुत बड़ा गड्ढा खोदना है तो वहां के लिए ये सारे एक्सप्लोसिव बनाने का काम करती है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर देखिए 2010 में डिफेंस सेगमेंट में भी जा चुकी है और वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर बनाती है, वारहेड्स बनाती है, वारहेड एक्सप्लोसिव बनाती है। और कंपनी जो है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव के साथ साथ डिफेंस के लिए भी एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट बनाती है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी का बिजनेस है और मोनोपोली क्रिएट करता है क्योंकि ओनली कंपनी है प्राइवेट सेक्टर का जो कि डिफेंस में डील करती है। यहाँ पर देखिए डिविडेंड यील्ड 0.25% है, तो कुछ खास डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए अपने कैपिटल पे रिटर्न 19% से एवो कर दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% से ज़्यादा कर दिया है, प्रमोटर्स होल्डिंग 73.2% का है, प्लेज परसेंटेज 0 है, डेट इक्विटी 0.53 का है और यहाँ पर टोटल डेट की बात करें 900 करोड़ का है, जबकि रिजर्व जो है 1678 करोड़ का है, तो रिजर्व अच्छा खासा है। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात 340 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अब वही प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात है तो यहाँ पर जो टॉप लाइन ग्रोथ है, देखिए 2010 में 508 करोड़ का यहाँ पर सेल्स था जो कि बढ़कर के 2021 में हो गया 2516 करोड़ का। वही नेट प्रॉफिट की बात करें 59 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी लगातार जंप हुआ है और 2021 में ये नेट प्रॉफिट हो चुका है 276 करोड़ का। तो प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, सेल्स भी लगातार इंक्रीज हुआ है, हर पैरामीटर्स पर कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। अब बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल जो है कंपनी का वो 18 करोड़ का है, तो शेयर कैपिटल कंपनी का 18 करोड़ का हो गया। यहाँ पर बोर्डिंग की बात करें, मतलब जो डेट है कंपनी का 108 करोड़ का 2010 में था और यहाँ पर देखिए लगातार कंपनी का यहाँ डेट इंक्रीज हुआ है, लेकिन डेट अभी भी काफ़ी कम है और डेट इंक्रीज होकर के 900 करोड़ का हो चुका है, तो लेकिन अभी भी डेट काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर। फिर कैश फ्लो की बात करें, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बात करें तो 2010 में ये 42 करोड़ का यहाँ पर था और लगातार यहाँ पर कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इंक्रीज हुआ है। साथ साथ नेट कैश फ्लो बात करें तो नेट कैश फ्लो भी कंपनी का देखिए पिछले कई सालों से लगातार पॉजिटिव हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, मतलब कंपनी जो बिजनेस से कमाती है, साथ साथ इन्वेस्टिंग पे खर्च करती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी पे खर्च करती है, तो सब मिलाकर के ओवरऑल कंपनी कैश जनरेट करने में सक्षम है। तो काफी बेहतरीन ये कंपनी है। बेहतरीन पैरामीटर्स है वो है प्रमोटर्स का, देखिए यहाँ प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है इसमें 73% है, तो जो मैक्सिमम हो सकता है 75%, जबकि ये मैक्सिमम स्टेक के आसपास ही है 73% के आसपास। फिर एफआईज का स्टेक यहाँ पर 5.81% का है, एफआईज लगातार अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहा है, डीआईज का स्टेक यहाँ लगातार घट रहा है 20% से 16%, पब्लिक स्टेक लगभग कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। ओवरऑल एफआईज काफी बुलिश है, तो जो स्टॉक्स एफआई की नजर में आ जाए काफी मतलब स्टेबल होते हैं, तो हम एफआईज और डीआईज के स्टेक को भी एज ए स्टेबल स्टेक लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20% हो गया, तो 73% 20% इसमें ऐड कर दीजिए तो लगभग 94% जो है यहाँ पर स्टेक स्टेबल है, मात्र 6% जो स्टॉक्स का स्टेक है वो फ्री है मार्केट में, जिसमें हम पब्लिक लोग ट्रेड करते हैं, कभी बाय करते हैं, कभी सेल करते हैं। ओवरऑल स्टेक काफ़ी स्टेबल है कंपनी का, इसलिए स्टॉक इतना बेहतरीन कर रहा है। अगर हम चार्ट की बात करें, चार्ट पे भी स्टॉक्स काफ़ी सॉलिड है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम डेली चार्ट पे बात करें, फिर आपको वीकली चार्ट पर दिखाएंगे कि चार्ट कितना सॉलिड है।
तो पहले हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बात करते हैं, कहाँ पे एंट्री हो सकता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है। देखिए ये सपोर्ट रीजन है तो इस रीजन के नीचे आ जाता है, जैसे 2260 रुपया हो गया, 2260 के नीचे आ जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आपको यहाँ पर अपने पोजिशन से एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर आप अभी पोजिशन लेते हैं जो कि करेंट प्राइस है 2420 रुपये के आसपास, और यहाँ पर लेते हैं तो जो फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए वो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा आपका वो 2800 रुपये का होना चाहिए फर्स्ट टारगेट। फिर अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफी जबरदस्त टारगेट मिलेगा, और जो टारगेट आपका यहाँ पर होगा लगभग 3500 का, अगर अपने ऑल टाइम हाई को ये क्रॉस करने में सक्षम होता है तो, मतलब ये 2932 रुपये है, लेकिन हम 3000 रुपया जो है वो काफी साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 3000 के ऊपर चलता है तो फिर हम 3500 का टारगेट लेके चलेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म का व्यू हो गया। अब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में देखिए चार्ट यहाँ पर हम लगाते हैं, तो वीकली चार्ट लगा लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाए, वीकली चार्ट पर देखते हैं तो ये इसका हाई था, यहाँ पर जबरदस्त रेसिस्टेंस फेस कर रहा था पहले, जो कि देखिए 1320 रुपये का है। जब इसको ब्रेक किया तो फिर से यहाँ पर रिटेस्ट किया और लगातार स्टॉक्स ऊपर चलता गया, तो यहाँ पर फिर बात करें मतलब कोई बड़ा यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं था चार्ट में। फिर पीछे बात करें यहाँ पर देखिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ था एक लंबी रैली के बाद, यहाँ से 2014 से लेकर 15 तक का जो रैली हुआ था उसके बाद करेक्शन देखने मिला था। फिर देखिए यहाँ पर चार्ट कभी भी मतलब ऐसा वीकनेस नहीं है चार्ट में जो कि प्रीवियस लो को ब्रेक किया हो और स्टॉक्स काफी नीचे आ गया हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो 2018 से लेकर 2020 तक यही पर स्टॉक्स थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ था, और यहाँ पर जो गिरावट हुआ ये पैंडेमिक में हर स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने मिला था, तो इस स्टॉक्स में भी हुआ। ओवरऑल चार्ट काफी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए काफी बेहतरीन है, जब तक फंडामेंटल्स कंपनी का कोई इंटरनल इश्यू नहीं आ जाता है तब तक आप इसमें इन्वेस्ट रह सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, काफी बेहतरीन स्टॉक है, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और बात करें पर यहाँ पर कंपनी के बिजनेस का तो ये ऑफ हाईवे टायर बिजनेस करती है कंपनी, ओवर 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, स्पेशलिटी सेगमेंट जैसे एग्रीकल्चर हुआ उस पर फोकस करती है, कंस्ट्रक्शन में जो आप जैसे जेसीबी का यूज करते हैं और अलग अलग जो मशीन होती है वेट लिफ्टर सब उस मशीन में जो टायर लगती है उस पर कंपनी फोकस करती है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल में जो मशीन यूज होती है उसमें जो टायर लगती है उस पर फोकस करता है, एज वेल एज अर्थ मूविंग पोर्ट्स माइनिंग एटीवी एंड गार्डनिंग एप्लीकेशन, तो ये सारी चीजों में जो टायर यूज होती है उस पे फोकस करती है ये कंपनी, मतलब कंपनी का बिजनेस काफी बेहतरीन है और कंपनी जो है काफी बेहतरीन रूप से वर्ल्ड वाइड इस सेगमेंट को लीड करती है। यहाँ पर देखिए कंपनी जो है अपने टायर को 160+ कंट्रीज में सेल करती है, जिसमें अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इंडिया हो गया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, तो मेजर जो कंट्रीब्यूटर है कंपनी के रेवेन्यू में वो यूरोप है और उसके बाद इंडिया है। अब मार्केट कैप की बात है 44,000 करोड़ का है, डिविडेंड कुछ खास नहीं है 0.73%, लेकिन काफी बेहतरीन है क्योंकि स्टॉक्स काफी ज्यादा यहाँ पर रैली कर चुका है, काफी ज्यादा ओवरबॉट है, तो ओवरबॉट स्टॉक्स में आपको डिविडेंड यील्ड काफी कम देखने मिलते हैं, मतलब पी जितना हाई होगा डिविडेंड यील्ड आपको उतना ही कम धीरे धीरे देखने मिलेगा। और यहाँ पर देखिए जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21 है, काफी बेहतरीन है। अगर पी की बात करें 31 का है जबकि इंडस्ट्री का पी मात्र 15 का है, तो काफी महंगे पी पे स्टॉक्स मिले हैं, तो अच्छे स्टॉक्स काफी महंगे पी पे ही मिलेंगे। और बात करें प्रमोटर सोल्डिंग 58% है, काफी बेहतरीन है, एक लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी का पी जो है इतना सॉलिड है, साथ ही साथ डेट इक्विटी भी इतना सॉलिड है, प्रमोटर होल्डिंग भी 58% है, कोई शेयर पे रिलीज नहीं है, और डेट इक्विटी मात्र देखिए 0.24 का है, और यहाँ पर बात करें डेट का तो मात्र 1553 करोड़ का डेट है जबकि रिजर्व 6500 करोड़ का है, हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी सॉलिड दिख रही है। नेट प्रॉफिट 1427 करोड़ का जबकि इन्वेस्टमेंट 1600 करोड़ का कर रखा है। अब यहाँ पर बात करें टॉप लाइन ग्रोथ का तो और बॉटम लाइन ग्रोथ का, तो सेल्स देखिए 1526 करोड़ का था 2010 में जो कि लगातार यहाँ पर बढ़ा, और मार्च 21 में यहाँ पर हो चुका है 5783 करोड़ का सेल्स। वही नेट प्रॉफिट देखिए 219 करोड़ का था 2010 में जो कि लगातार यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है, और 1178 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो चुका है 2021 में, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सेल्स सारा जंप हुआ है और ये काफी बेहतरीन साइन है कि कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल जो है 39 करोड़ का है, और बात करें डेट का तो यहाँ पर 478 करोड़ का डेट था 2010 में, और जो कि यहाँ पर डेट बढ़ करके 1000 करोड़ का हो चुका है 2021 में, तो डेट भी कंपनी का काफी इंक्रीज हुआ है।
लेकिन अभी भी रेट कंपनी के ऊपर अपने इक्विटी के कॉम्पिटिशन में काफी कम है, तो कंपनी काफी बेहतरीन है। उसके बाद कैश फ्लो की बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है 2010 में 210 करोड़ का था कैश फ्लो, और यहाँ पर लगातार कैश फ्लो इंक्रीज हुआ और 2021 में हो चुका है 1349 करोड़ का कैश फ्लो। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगातार इंक्रीज हुआ है। वही नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी पॉजिटिव रहा है, तो देखिए यहाँ पर नेट कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव है। फिर बात करें यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शन का, तो प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो 58% लगभग पिछले 2 सालों से कांस्टेंट है। एफआईज का स्टेक लगातार इंक्रीज हुआ है, 15% से ज्यादा हो चुका है। डीआईज का स्टेक भी लगभग स्टेबल है, 13% से ज्यादा था, अभी भी 12% 5-6 है, मतलब 1% डिक्रीज हुआ है। पब्लिक स्टेक काफी कम हुआ है, मतलब ओवरऑल एफआईज काफी ज्यादा बुलिश है, एफआईज लगातार अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं। तो ये बेहतरीन स्टॉक्स जिस जो कि हर फंडामेंटल पैरामीटर्स पे काफी जबरदस्त है। अब बात करें यहाँ पर इसके टेक्निकल एनालिसिस का, तो देखिए चार्ट पर जैसे हम आते हैं तो चार्ट पर देखिए स्टॉक्स काफी सॉलिड दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस देखने मिला था जो कि हमारे लिए एक शुभ संकेत है कि हमें स्टॉक्स काफी डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है। तो अगर ये 2000 के नीचे चला जाता है तो फिर आपको अभी बाइंग नहीं करना चाहिए, और अभी आप करेंट प्राइस पर बाय करते हैं तो आपका जो शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए 2240 रुपये का अगर आप करेंट प्राइस पर बाय करते हैं। लॉन्ग टर्म में जितना डिप्थ में बाय हो उतना बेहतर है। अगर ये 2000 के प्राइस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर काफी तेजी से ये स्टॉक्स नीचे आ सकता है, तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल सकता है। लेकिन जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है वो बहुत ही कम ऐसे मिलते हैं कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाए, क्योंकि हर कोई जान रहा है मार्केट में कि ये फंडामेंटली काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनियां हैं, काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, तो हमेशा आपको स्टॉक्स महंगे प्राइस पे ही मिलेंगे। वही बात करें अगर अभी कोई बाय करता है तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस रीजन ब्रेक किया है, पहले ये सपोर्ट रीजन हुआ करता था, तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद फिर से हो सकता है इसको रिटेस्ट करे, तो आप यहाँ पर और रिटेस्ट करता है तो और नीचे के प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर टारगेट जो आपको रखना है, पहला टारगेट आपका हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 2530 रुपये का। फिर यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई जो है ये टारगेट होगा आपका दूसरा। अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो फिर तो ये गजब का यहाँ से तेजी दिखाएगा, और लगभग 3500 का टारगेट इस स्टॉक में भी आपको देखने मिल सकता है। जैसा कि पिछले स्टॉक में मैंने आपको बताया था कि 3500 का टारगेट तब मिलेगा जब ये 3000 के प्राइस को क्रॉस करता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट रीजन है, और रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो काफी ज्यादा स्टॉक में तेजी देखने मिलेगा, सपोर्ट को ब्रेक करता है तो काफी ज्यादा स्टॉक्स में गिरावट देखने आपको मिल सकता है। अगर हम चार्ट की बात करें लॉन्ग टर्म का, तो चार्ट इस स्टॉक्स का भी काफी सॉलिड रहा है। देखिए यहाँ पर हम वीकली चार्ट लगा चुके हैं और यहाँ पर स्टॉक्स में हम पीछे आ जाते हैं चार्ट पे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस दिखा था 2018 से लेकर के यहाँ पर 2020 तक, उसके बाद ओवरऑल स्टॉक्स काफी ज्यादा बेहतरीन है। देखिए हमेशा काफी तेजी से रैली करता है और फिर एक यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन दिया है, प्राइस वाइज काफी कम करेक्शन देखने मिला है। देखिए प्राइस में काफी कम गिरावट हुआ लेकिन ये टाइम काफी ज्यादा लिया, यहाँ 2014 से लेकर 16 तक का करेक्शन। इसी तरह आप पीछे भी जाएंगे तो ये स्टॉक्स यहाँ पर देखिए रैली किया, फिर यहाँ पर करेक्शन दिया 2012 से लेकर के 13 तक, फिर इस तरह स्टॉक्स काफी रैली किया है और रैली के बाद काफी लंबा एक करेक्शन भी देता है 1 साल 2 साल का। तो स्टॉक्स का चार्ट काफी बेहतरीन है, जैसे यहाँ पर फिर से करेक्शन होता है, करेक्शन के बाद फिर से जैसे स्टॉक्स रैली करता है तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं, या हो सकता है स्टॉक अभी ही अपने ऑल टाइम हाई तक का रैली दिखाए तो अभी के प्राइस पर आप बाय करते हैं, तो विथ स्टॉप लॉस आपको बाय करना चाहिए, जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है उसको फॉलो कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ऐसे ही बेहतरीन और एजुकेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।